आई होप कि आज की जर्नी उसे याद रहे और इसके बाद वो किसी को ट्रोल करने से पहले हजार बार सोचे। Are you ready for your surprise? Yeah, I'm ready for your surprise. On your right. On the right. Oh my God. Hi. Machine mean 84. Welcome to MTV Troll Police. Troll करते हो, इसके अलावा कोई और काम भी करते हो? नहीं यार, बहुत सारे काम करता हूँ। जैसे कि? थिएटर करता हूँ, लिखता हूँ, फिटनेस के लिए जिम जाता हूँ, म्यूजिक सुनता हूँ, चीजें एक्सप्लोर करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ। कितनी एज है तुम्हारी? 24। क्या किया अभी तक आपने? मैंने 17 साल थिएटर किया है दोस्त। आपने 17 साल थिएटर किया जी? उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो मेरा फेज अभी चल रहा है, मैं अभी भी थिएटर करता हूँ। अच्छा, थिएटर कर रहे हो, उसके अलावा क्या कर रहे हो? लाइक अर्न करने के लिए क्या कर रहे हो? अर्न करने की जरूरत नहीं भाई। क्यों, पापा के पास है? हाँ, वो सबके पापा के पास होता है। तुमने क्या किया खुद से? अगर आप खुद कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। अभी अगर आपने करना होता, आपका एक एम होता, समाना सब कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये आपकी सोच है कि पैसा कमा लिया तो बहुत कुछ कर लिया। नो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसके अलावा क्या कमाया? उसके अलावा क्या कमाई है? हाँ, मैं 6 साल का था जब मैं आपकी इज्जत नहीं करता। मैं भी आपकी इज्जत नहीं करता। वही तो मैंने इसलिए बुलाया ना। आज अब देखो, जो आपकी इज्जत नहीं करता आपने उसको बुलाया। आज कितने सारे लोग इज्जत करते हैं उनको बुलाते ना। क्यों बुलाए उन्हें? वो इज्जत करते हैं। तो देखो, आप तक पहुंचना कितना आसान है। आपकी कोई बेइज्जती करे, उनसे मिलना चाहते हैं, वो आपके सामने बैठा है। सो आप समझे नहीं, हम उनसे मिलना चाहते हैं जो लाइफ में कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के सवाल करते हैं, और जो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनको लोगों की सक्सेस से चलती है। वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि यहाँ तक मैं क्यों नहीं पहुंच पाया। भाई मुझे वहाँ पहुंचना ही नहीं ना, जहाँ पहुंचे पहुंच नहीं पाओगे। आप पहुंच सकते हो, क्योंकि मेरा क्यों नहीं पाओगे? मेरा वो क्योंकि जो टाइम में आप पहुंच सकते हो ना, आप बैठ के सिर्फ लोगों के आईडी में जा रहे हो, देख रहे हो उसने क्या किया है और कमेंट कर रहे हो। आपको मेरे बारे में पता है? मेरे को तुम्हारा जानना ही नहीं है। मैं 14 साल का था जब एनएसडी की 50th एनिवर्सरी पे आई वाज द ओनली चाइल्ड आर्टिस्ट परफॉर्मिंग। शायद तुझे कभी एंट्री भी ना दे। अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं, तुमने उसके बाद एक्टिंग नहीं करी। मैं अभी अभी जो शो कर रहा हूं, नंबर 1 शो। व्हिच शो? हां, व्हिच शो, जिसके बारे में आप लिखते हो कि भाई तेरे को एक्टिंग नहीं आती। हाँ, हाँ? नहीं आती तेरे को एक्टिंग? एक्टिंग बारे में क्या आता है? मुझे कुछ नहीं, मुझे भाई कुछ नहीं पता। नहीं पता वो, मुझे कुछ नहीं पता। करना इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये कुछ नहीं पता, जो तुझे पता है। हाँ, तूने उसका क्या फायदा उठाया? मैंने उसका भाई ग्रो किया। मैंने 17 साल थिएटर किया 24 साल की उम्र में। मेरी बात सुन, उसको आगे लेके जाना, आगे चल रहा है, आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि खत्म हो गया है। मैं अभी 12 एंग्री मैन का रीराइट कर रहा हूँ, वो होगा मुंबई में। भगवान करे तू लाइफ में बहुत अच्छा करे, जब तू जो तू अचीव करना चाहता है मिल जाए। करता भाई वो मैं करूंगा, और मुझे लाइफ में जो करना है वो मैं करूंगा। फोटो अपलोड करे, नीचे से उस पे सवाल आए। हाँ, अरे क्या लिख रहा है तू? हाँ, मेरे जैसे 10 लिखते हैं। एक मिनट प्रिंस, एक मिनट। आई अंडरस्टैंड क्रिएटिव क्रिटिसिज्म, आई अंडरस्टैंड क्रिटिसिज्म आल्सो। प्रिंसेस कमेंट्स, जो उसके 1.4 मिलियन लोगों के सामने आप कमेंट्स लिखते हो, दैट इज ट्रेसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। दैट्स द अवेयरनेस दैट आई वांट टू क्रिएट थ्रू एमटीवी ट्रोल पुलिस। Now here's the thing. I don't think it's a big problem if we go step by step. Should we? Sure. तूने कहा अरे प्रिंस क्यों खाली पोज मार रहा है? हाँ। एक टैलेंट तो तुझमें है नहीं, एक क्यों शो ऑफ कर रहा है? एंड देन यू और एक बार यूज योर फेवरेट वर्ड और फिर कहा कि व्हाटएवर, आई एम गोना कॉल इट व्हाटएवर, जैसी शक्ल है और डुक्कर जैसी बॉडी है। डुक्कर इज अ पिग इन मराठी, डुक्कर पिग जैसा बॉडी है। हाँ, फूला हुआ तो ज्यादा लगता है सर। There's a bunch of the Indian youth that's inspired by his physical fitness. तो क्या his body. मैं नहीं हूँ। पता क्या होता है? मैं सबसे ज्यादा इज्जत करूंगा माँ बाप की भाई, तेरे हो मेरे हो। बिल्कुल भाई, करनी चाहिए। सुनो, जब तुम ऐसे लिखते हो ना, तो मैं नहीं, लोग बोलते हैं कि इनके माँ बाप ने क्या परवरिश करी। प्रिंस की एक फोटो है जिसमें वो लेटे हुए नीचे और नाक में से खून निकल रहा है। एक्टिंग का कोई सीन ही नहीं यहाँ पर। दिस इज व्हेन ही वन रोडीज एंड स्प्लिट्स। और उन्होंने एक पोस्ट डाला, उस पोस्ट पे आपने लिखा, यू वांट टू रीड इट, सेम लैंग्वेज जिसमें आपने लिखा है। वाह क्या मस्त बोला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। ये तो किसको किसी को बीट करे बिना गैंग लीडर बना। तेरे को गैंग लीडर का पोजिशन दहेज में मिला था, जस्ट लाइक तेरा रोडीज का पोजिशन। कोई पूछे अकल बड़ी या भैंस, तो ये क्या भैंस बोलता है और गैंग लीडर बनेगा साला फुद्दू। कुछ नहीं हो सकता तेरा साला।
तेरे को गैंग लीडर पोजीशन दहेज में मिला था। हाँ, और सुशील कुमार वाज नॉट देयर एंड सो हु वाज द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन? क्या अकेला ऑप्शन कोई भी हो सकता था? मुझे ये नहीं सही लगा सर, जैसे बहुत लोगों को ये सही लगा, मेरे को नहीं सही लगा। पर फिर भी आप देख रहे हो? मैं नहीं देख रहा भाई, क्योंकि हर जगह बज रहा है आजकल इडियट बॉक्स है टीवी, मेरी बात दिख रहा है नहीं आप अभी भी बिकॉज़ ऑफ अच्छा उन पिक्चर्स पे कमेंट कर रहे हो जो मैंने टास्क किए हैं, ठीक है? हाँ? आपने इसका मतलब मेरा फॉलो किया है? देख मुझे देश से कोई नफरत नहीं है, मैं यहाँ पर मेरे को भी देश से कोई नफरत नहीं है भाई, तभी आप लिख नफरत नहीं है यार। देख मैं तो वही बोला, अगर आप एक व्यू पॉइंट मुझे आप बताओ कि आपका नफरत का रीजन क्या है? आप मुझसे नफरत क्यों कर रहे हो? मैं बोलता हूं It is not we, हम लोग तुम्हारे अटैक मुझे भाई सिंपल सी बात है, मतलब मैं बताता हूँ, जैसे भाई ने बोला बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे नहीं आना चाहता था, मुझे नहीं फर्क पड़ता तो मेरे बारे में कमेंट करते, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी आया। पता क्यों? क्योंकि जो मेरी आईडी में और जो बाकी लोग हैं जिनको इन कमेंट्स की वजह से सफर करना पड़ता है, जो इतने स्ट्रांग नहीं है, मैं उनकी वजह से आया हूँ। जब मुझे बताया गया कि अगर आप आओगे तो आपको देख के शायद बहुत लोग हैं जो सही काम करेंगे। ट्रोल्स ज्यादातर चार पांच चीजों की वजह से करते हैं, जब उनको किसी से जेलिसी हो, किसी से हेट्रेड हो, कोई उनको लगे दैट देयर बिलो देम, जो आपके केस में मुझे लग रहा है, या अटेंशन पाने के लिए। योर पावर एज अ यूथ, एज एन इन्फॉर्म्ड यूथ, एजुकेटेड, रीड्स बुक्स, इज दिस द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव दैट यू राइट दीस काइंड ऑफ कमेंट्स? सर पे फीड वीड ये सब तो आता रहता है ना, अगर आप किसी को फॉलो करोगे तो ही वो आएंगे। यू कैन ऑल्सो इग्नोर देम, यू डोंट सी एवरीथिंग। सर ही कुड हैव इग्नोर्ड माय थिंग, but yours is abusive content. This is a form of bullying because you're superior, you're bullying him in your head. I'm not bullying him. You don't see, no bully sees it like that, brother. Understand might why. Might be the to case. To samaj. Ek comment aapne kiya na, he's actually asking Pankaj sir, ye scene kaise karun? Because ye manta hi nahi hai, bahut bada actor hai, ye manta hi nahi hai. Par ye apni rozi roti kamane ki koshish kar raha hai. Jo iska area hai, roadies ka, wahan pe ye choda hai, kyunki sirf roadies nahi, कहीं हद तक कनेक्ट हो सकता है, पर लिटरली हम उन दोनों चीजों को कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज अगर ये चाहे विद हिज 1.4 मिलियन फैंस वी राइट अबाउट यू ऑन योर दिस थिंग theater will shut down and not take you. Well, they'll be like, yeah, we can't work with you. I'm ready for it. It's like, not healthy. It's not healthy. I get it, sir. Exactly. Yeah, I get it. But so you're saying what you're doing is healthy? No, that's not healthy. That's my view. I have कोई ये guarantee थोड़ी ली है कि जो मैं बोलूँगा वो सही होगा। यार अच्छा मेरे को बता, कोई आदमी अगर roadies जीता हो, हाँ, उसके बाद Splitsvilla जीता हो, हाँ, और उसके बाद Big Boss जीता हो, हाँ, उसमें कुछ भी नहीं। अच्छी बात है सर, आप जीते हो आप अपने लिए। अबे तू कहाँ है? कमजोर आदमी को बेटा गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अब तेज, अब चिल्ला 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 ओ पेटे। हाँ ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा, बोलना चाहता हूँ ये कि तेरी लैंग्वेज है। सुन मेरी लैंग्वेज, तेरी लैंग्वेज क्या है? अबे अपना कुछ बता भाई, मेरी बात सुन। बता तेरी मम्मा या तेरी बहन कोई काम करे, क्यों ना कर भाई, बात मत कर, क्यों ना कर, फैमिली के बारे में बात करी, क्यों ना कर, तेरी फैमिली के बारे में बात करी। सुन सुन सुन, रुक अपना रुक, मेरी मम्मी का और बहन का तूने एक बार और नाम लिया ना, तो क्या करेगा, क्या करेगा, नाम मत लेना, क्या करेगा, मत लेना ना, तू जो कर सकता नाम मत लेना, मेरे से बात कर। सुन क्या हुआ, मेरे से मेरी नहीं ले पा रहा तू? तुम जैसे लोगों के चक्कर में तुम्हारे माँ बाप बदनाम होते हैं भाई। आई चैलेंज यू ब्रदर। अच्छा अभी हाँ तू मेरी फील्ड में आएगा और मेरे साथ टास्क करेगा। अच्छा तूने बता दिया, मैंने मान लिया, जा नहीं मानता। तेरे को मानना पड़ेगा भाई, तू मेरे से ऐसे बोलेगा, सुन ऐसे बोलेगा, हाँ ऐसे बोलेगा तो करवा ले टास्क। अगर तूने यहां पर आज टास्क कर दिया, मैं तेरे को बोलता हूं यू विल बी इन द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ रोडीज टुमारो, दैट्स अ लॉन्च पैड। उससे पहले मैं तुझे बोलना चाहूंगा कि मुझे तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरे बारे में कमेंट करता है, चाहे आगे भी फ्यूचर में भी करता रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं तू मेरे साथ टास्क करे और तू फील करे कि जहां से रन भाई मैं ये सब निकले हैं वो चीज कैसी है, ताकि तेरे मन में एक रिस्पेक्ट आ पाए। हो सकता है और ये टास्क भी ना शायद अच्छा लगा, शायद तू बोले
कि भाई मैं गलत था। हाँ चल ठीक है, हाँ करते हैं, आपको पता लग जाएगा शायद, आपको इम्प्रूव हो जाए मेरे दिमाग में, है ना? परस्पेक्टिव है। लेट्स गो, लेट्स गो।